हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPPSC बॉटनी के कॉलेज कैडर का क्वेश्चन पेपर जो कि कंडक्ट किया गया है 2023 में। 24 में 2023 को जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ये वीडियो जो है जो स्टूडेंट कॉलेज कैडर के लिए प्रिपेयर करेंगे किसी भी स्टेट के, चाहे वो HP का है या किसी और स्टेट का है, अगर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। दूसरा, अभी जो है हिमाचल में PGT का एग्ज़ाम होने वाला है, PGT बायोलॉजी का, उसके लिए भी ये क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एक आइडिया लगेगा कि अभी रिसेंटली HPPSC किस तरह के क्वेश्चन जो है वो बॉटनी और जूलॉजी के लिए पुट कर रहा है। सो मेनली अभी जो ये क्वेश्चन पेपर है ये PGT बायोलॉजी के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट और PGT बायोलॉजी के लिए पियर होने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो वो कैंडिडेट जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। सो जो कॉलेज कैडर का पेपर था डिवाइड किया गया था 30 क्वेश्चंस जो थे वो सब्जेक्ट के नहीं थे, 70 क्वेश्चंस जो थे वो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस थे। इन 30 क्वेश्चंस में जो है वो डिवाइड किया गया था, 7 क्वेश्चंस हिंदी के थे, 7 क्वेश्चंस इंग्लिश के थे, बाकी के जो क्वेश्चन बच रहे हैं 16 क्वेश्चंस वो जो है हमारे GK के थे, जिसमें HPGK और करंट अफेयर को ऐड किया गया था। ये पैटर्न था कॉलेज कैडर के क्वेश्चन पेपर का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ इन 70 क्वेश्चंस को जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और ये हमारे पास बॉटनी का कॉलेज कैडर का पेपर है 2023 का। सो इस वीडियो में हम इसी को जो है वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हार्मोगोनिया आर मीन्स ऑफ, हार्मोगोनिया जो होते हैं उनका काम क्या होता है। सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। हार्मोगोनिया जो होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया में होते हैं और वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन वहां पे करते हैं। इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्पर्सल इन साइनोबैक्टीरिया। देन हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। जब भी क्वेश्चन पढ़ना है नॉट है या फिर करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया, उन चीजों पर ध्यान देना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेनली उसी वजह से जो है क्वेश्चन गलत होता है। इस पेपर में जो थी नेगेटिव मार्किंग भी थी। सो अगर जो भी पेपर अभी PGT के पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग है तो आप देख के ही जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन, इनमें से कौन सा नॉट अ फ्री लिविंग पूछा है, जो फ्री लिविंग नहीं है। इनमें एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो राइजोबियम जो होता है वो सिम्बायोसिस शो करता है, वो एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है। सो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन इन ईकोलाई। ईकोलाई की होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में इनमें से कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। सो यहाँ पे जो है वो RECBCT एंजाइम जो होता है, रिकॉम्बिनेंट PCT एंजाइम, ये जो होता है इन्वॉल्व होता है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के लिए ईकोलाई में। तो बाकी इनमें से कोई भी जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है, उसके बाद कुछ कोड दे रखे हैं, आपको जो है मैच करना है कोड को, यानी कि ए और इस लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। सो हमारे जो इस क्वेश्चन में है जो भी आपको आ रहा होगा इसमें से उसको आप जो है वो मार्क कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले आता है फैसिलस सबटिलिस। फैसिलस सबटिलिस जो होते हैं हमारे, वो जो है इनमें से अगर ऑप्शन देखोगे तो देखो एंडोस्पोर को प्रोड्यूस करता है वैसिलस सबटिलिस, सो ये इसका आंसर होगा। दूसरा, लैक का सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। ये दोनों ऑप्शन अगर आपको आ रहे होंगे तो आप इजीली जो है इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि डी का सेकंड जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। आपका टाइम भी बचेगा और बाकी चीजें भी बच जाएंगी, क्योंकि मतलब कि इस पर ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। सो ए जो है कॉलो वेक्टर का आंसर वैसे ये होगा, डिवीजन रिजल्ट इन रेप्लिकेशन कॉम्पिटेंट सरफेस अटैच सेल एंड नॉन रेप्लिकेटिव सॉर्मर सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं। देन हमारे पास आता है मिथाइलोट्रॉप और दूसरा आता है मिक्सोबैक्टीरिया। सो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा बी का हो जाएगा, मिक्सोबैक्टीरिया हैज अ कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल कल्मिनेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर फ्रूटिंग बॉडी। सो मिक्सोबैक्टीरिया जो है फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं, एंड देन मिथाइलोट्रॉप जो होते हैं वो कैन यूज सिंगल कार्बन सब्सट्रेट सच एज मिथेनॉल एंड मिथाइलामिन एज अ सोर्स ऑफ कार्बन।
तीन ऑप्शन जो है बहुत ही इजी दे रखे थे, अगर ये दो आपको कंफ्यूजन भी हो रही होगी, तीन आते होंगे तो आप इजीली जो है इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डाइट डू नॉट रेगुलेट के लाइक मोस्ट अदर एल्गे बिकॉज देयर सेल वॉल, वो डायटम्स जो इजिली जो है डिके नहीं होते हैं क्योंकि उनके सेल वॉल में सिलिका होता है। सो दिस इसका आंसर होगा कंटेन सिलिका। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पायरेनॉइड, पायरेनॉइड का क्या फंक्शन होता है। पायरेनॉइड जो होता है एज अ रिजर्व फूड मटेरियल के लिए वो जो है काम करता है, और उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है और बाहर जो होते हैं वो स्टार्च प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि पायरेनॉइड में प्रोटीन और स्टार्च किस तरह से प्रेजेंट होगी, तो अंदर प्रोटीन होगी और बाहर जो है वो स्टार्च होगी। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा गया फंक्शन क्या है पायरेनॉइड का। प्रमोट नाइट्रोजन फिक्सेशन, डिक्रिएट सेलुलर बेस, प्रमोट क्लोरोफिल प्रोडक्शन, प्रमोट फोटोसिंथेसिस, CO2 फिक्सेशन बाय द एंजाइम रिबिस्को। सो मेन जो फंक्शन है पायरेनॉइड का वो रहता है ये प्रमोट फोटोसिंथेटिक CO2 फिक्सेशन बाय एंजाइम रिबिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैराजिनिन इज मेड फ्रॉम द वेरियस सी बेड्स ऑफ, कैराजिन किससे मिलता है। सो कैराजिन जो एक एल्गी से मिलता है जिसका नाम है कॉन्ड्रस क्रिस्पस, उससे हमें जो है कैराजिन मिलती है और ये रेड एल्गी को बिलोंग करता है, रूडोफाइसी को जो है बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को मैच करना है, डिजीज दिया हुआ है और ये हमारे पास डिजीज है और एक कॉजल ऑर्गेनिज्म, एल्बो का कैंडिडेट क्या कॉज करता है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रिस्पर, फाइट ऑफ थोरा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कल्टो ट्राइकम, रेड रोट ऑफ शुगर कॉर्न, अल्टरनेटिव सॉरी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो इनको मैच कर लो आपके पास आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। प्लेक्टोगाइमा इज अ टिश्यू कंपोज्ड ऑफ माइसीलियल थ्रेड ऑफ फंजाई, सो दिस इज राइट स्टेटमेंट, प्लेक्टोगाइमा जो है माइसीलियल थ्रेड से बनता है, रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ फंजाई स्टार्च, नहीं फंजाई का जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो हमारे पास जो है वो स्टार्च नहीं होता है। सो ये हमारे पास जो है नॉट करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे जो स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लैम्प फॉर्मेशन में सिटोफिकुटम में बनती है, यीस्ट जो है राइबोफ्लेविन का सोर्स रहता है, लेकिन रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है स्टार्च में, फंजाई में स्टार्च नहीं होता है। नेक्स्ट इज फाइटो एलिग्जिन, फाइटो एलिग्जिन जो है वो क्या होते हैं। सो फाइटो एलिग्जिन जो होते हैं वो फाइटो से मतलब समझ आ रहा है आपको प्लांट, दीज आर प्लांट केमिकल्स, प्लांट ऐसे केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है कंट्रोल इनवेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक फीचर, नॉट अ करेक्टरिस्टिक फीचर पूछा गया है किसका, कॉलोनिमा सेल का, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। सो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा सेल वॉल कलरलेस, अबंडेंस ऑफ रॉड शेप क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्लोरोनिमा नहीं बोला गया है, कॉलोनिमा बोला गया है, अबंडेंट राउंड शेप क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, ये जो है वो नॉट करेक्ट होगा, 34 का ए जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर, देखो अभी तक आपने कितने क्वेश्चन नॉट वाले देख लिए होंगे, नॉट मिस कर दोगे आप क्वेश्चन का आंसर वैसे ही गलत दे दोगे, सो नॉट पे हमेशा ध्यान दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ हाइड्रोइड ऑस्मोसिस, हाइड्रोइड ऑस्मोसिस का कौन सा फीचर नहीं है। हाइड्रोइड जो टर्म है वो यूज की गई है जाइलम के लिए, जिसे लेप्टोम यूज किया जाता है किसके लिए, फ्लोइंग के लिए, और हाइड्रोइड जो टर्म है वो यूज की जाती है जाइलम के लिए, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है जाइलम का, इन द मोसिस। सो इन द मोसिस जो जाइलम होता है उसकी जो इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं होती, आपने मोसिस देखे होंगे, ब्रायोफाइट्स देखे होंगे, उनको इतनी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, इस रीजन की वजह से उनमें जो है लिग्निन जो होता है वो हाईली इम्प्रेगनेटेड नहीं होता है। लिग्निन का क्या काम है, सपोर्ट करना है ना, इतनी सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है उसको, इसलिए लिग्निन डिपोजिट नहीं होता है। सो डी जो आंसर होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मेन रोल ऑफ लुनुलारिक एसिड इन लिवर वॉर्ट्स, लिवर वॉर्ट्स के केस में लुनुलारिक एसिड का क्या काम होता है। यहाँ पे ऑप्शन दे के आपको ढंग से देखना है। तो लुनुलारिक एसिड जो होता है वो लिवर वॉर्ट के केस में, यानी कि ये हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं, सो ब्रायोफाइट्स के केस में ग्रोथ इनहिबिशन और डोरमेंसी का काम होता है हमारा लुनुलारिक एसिड का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर नॉट एसोसिएटेड, अगेन नॉट टर्म यूज की गई है, नॉट एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट विद स्पेशल रेफरेंस टू सेलेंजिनेला। सो इनमें से जो है कौन सा जो है वो एसोसिएटेड नहीं है सेलेंजिनेला के साथ।
प्रोडक्शन ऑफ टू काइंड ऑफ स्पोर. सो यहाँ पे बोला गया नॉट एसोसिएटेड, टू काइंड ऑफ स्पोर्स बनते हैं ऑब्वियसली, हेटरोस्पोरस है सेलेंजिनेला. जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन बाय, सही बात है, सेलेंजिनेला ही जो है वो इनसिटू हाइब्रिडाइजेशन इनसिटू फर्टिलाइजेशन शो करने लगा था. डेवलपमेंट ऑफ ओनली वन मेगास्पोर पर मेगास्पोर इंजियो, एक ही मेगास्पोर बनता है, ये भी करेक्ट है. वर्टिकल एपिकल स्प्लिटिंग ऑफ माइक्रोस्पोर इंजियो, डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है. इसके अंदर मेन रीजन तो ये है कि एपिकल स्प्लिटिंग जो है वो नहीं होती है, विद स्पेशल रेफरेंस टू ओरिजिन ऑफ सीड से पूछा गया है. ओरिजिन ऑफ सीड में माइक्रोस्पोरेंजिया से रिलेटेड कोई भी टर्म जो है वो अकॉर्डिंगली आप ऐसे भी देख सकते हो कि ओरिजिन ऑफ सीड में मेन जो काम है वो मेगास्पोर का है, माइक्रोस्पोरेंजिया का नहीं है. सो ये जो है एक तरह से फीचर नहीं है एसोसिएटेड विद ओरिजिन ऑफ सीड. दूसरा, वर्टिकल एपिकल स्प्लिटिंग और माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं होती है सेलेंजिनेला के केस में. सो डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज टिलोम थ्योरी से क्वेश्चन है, एक टिलोम थ्योरी दूसरा स्टीलर थ्योरी से क्वेश्चन बनता है. सो आपने इन दोनों को जो है पढ़ के ही जाना है, कोई भी एग्जाम बायोलॉजी से रिलेटेड होगा तो. इसमें पूछा गया है मिसमैच्ड कौन सा है, मिसमैच जो मैच नहीं कर रहा है. ओवरटॉपिंग देखो रिजल्टेड टू डिफरेंशिएशन ऑफ मेन एक्सिस एंड डिटरमिनेट लेटर ब्रांच एंड लीव्स, ये करेक्ट है. प्लेनेटेशन प्लेनेशन रिजल्टेड टू डेवलपमेंट ऑफ फ्लैटन ब्रांच, ये राइट है. बेबिंग फ्यूजन ऑफ प्लेनेटेड ब्रांचेस विद लेटरल आउटग्रोथ ऑफ फोटोसिंथेटिक मेसोफिल टिश्यू टू फॉर्म लीफलेट, ये भी करेक्ट है. यानी कि यही इनकरेक्ट होगा जब तीनों करेक्ट है. फिर भी देख लो, इनकर्वेशन रिजल्टिंग इन द पर्सिपिटिंग ऑफ द स्पोरेंजिया फ्रॉम द मेटल सर्फेस ऑफ द लीफ टू द टर्मिनल पोजिशन ऑफ शूट. सो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगी, डी वाली जो हमारी स्टेटमेंट है. नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस रिगार्डिंग नीटम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट होगा. मेल गैमेट फ्यूजेस विद एक्निक्लियस पोजिशन इन द वेल डिफाइंड आर्किगोनियम. सो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है. सो ये जो है ऐसा नहीं होता है, मेल गैमेट फ्यूजेस विद सेल ऑफ द आर्किगोनियल कॉम्प्लेक्स, ये भी नहीं होता है. मेल गैमेट फ्यूजेस विद एनी ऑफ द डिफरेंशिएटेड न्यूक्लियर फीमेल गैमेटोफाइट, ये राइट होता है. किसी भी फीमेल गैमेटोफाइट के साथ वो जो है फ्यूज हो जाता है. नेटअप जो है एक्सेप्शन है जिम्नोस्पर्म के केसेस में. सो उसकी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है. सो ये इसलिए सी क्वेश्चन जो है सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगी. क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर शेयर्ड बिटवीन साइकस एंड गिंको एंड फॉन्स, साइकस गिंको और फॉन्स के बीच में कौन सा कॉमन चीज है. सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं, फॉन्स में नहीं होती. एब्सेंस ऑफ जैकेट इन एंथ्रीडियम, जैकेट की एब्सेंट इन केस ऑफ एंथ्रीडियम नहीं, ये सारे ही जैकेटेड है. सो ये भी नहीं होगा. प्रेजेंस ऑफ मोटाइल मेल गैमेट, मोटाइल मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं साइकस गिंको एंड फॉन्स में. साइफनोगैमस फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट होती है, पीछे टेरिडोफाइट में नहीं होती है. सो इसका सी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, किस तरह से डेवलप हो रही है, कहाँ पे पोलर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे जो है कॉमन करेक्टर्स मैच करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं. नेक्स्ट पिच वर्क तो फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा गया फॉर कोरेलाइड रूट. दे आर डेक्टोमेसली ब्रांच्ड राइट है, दे पूछा साइनोबैक्टीरिया भी राइट है, पूछा लेंटिसल्स पॉजिटिवली नहीं नेगेटिवली जियोट्रॉफिक होते हैं, एपोजियोट्रॉफिक इनको बोलते हैं, एपोजियोट्रॉफिक कोरेलाइड रूट्स. सो ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं होगा. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, फिर से नॉट ट्रू बोला गया है विद रेफरेंस टू माइक्रोटिब्यूल के रेफरेंस में. दे पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल राइट, मेजर कंपोनेंट ऑफ सीविली एंड फ्लैजेला, दिस इज ऑल्सो राइट. दे आर इन्वॉल्व इन द साइक्लोसिस, साइक्लोसिस में माइक्रोटिब्यूल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं. सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, माइक्रोटिब्यूल यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते हैं. प्रोटीन एंड वर्ड, ये डी स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. नेक्स्ट इज द गोल्जी अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ फ्लैटन सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस की स्ट्रक्चर आपको आती होगी, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप इजिली दे दोगे. तो फर्स्ट इज गोल्जी अपैरेटस सर्व एज साइट वेयर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड ऑफ द सेल वॉल आर सिंथेसाइज्ड. सो ये राइट है स्टेटमेंट, क्योंकि वहां पे जो है सेल वॉल कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड ऑफ द सेल वॉल सिंथेसाइज होते हैं. Cisternae are held together by matrix protein and the whole of the Golgi apparatus is supported by cytoplasmic microtubule. This is also right. यहाँ पे देखो third statement जो दी है, transphase of the cisternae receive vesicle containing ER product and cis phase dispatch. उल्टा होता है, cis phase जो होता है वो receive करता है और transphase जो होता है वो dispatch करता है. ठीक है, अगर आपको ये structure से याद आ गया होगा ना कि third statement incorrect है, तो देखो third statement इन तीनों में दे रखी है इनकरेक्ट है.
तो सिर्फ ए स्टेटमेंट जो आपका करेक्ट हो जाएगा, अगर आपको इनमें कंफ्यूजन हो भी रहा होगा तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द सेल ऑर्गेनेली एंड देयर फंक्शन इज मिसमैच। फंक्शन से मिसमैच सेल ऑर्गेनेली से क्वेश्चन है, सेल बायो के क्वेश्चन है। लाइसोसोम ब्रेक डाउन, दिस इज राइट। लाइसोसोम ट्रांसपोर्टिंग मॉडिफाइंग पैकेजिंग प्रोटीन, ये काम गॉल्जी अपैरेटस का, पराजिज्म का नहीं। सो ये जो है मिसमैच है। साइटोस्केलेटन का काम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन सही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड वाइसनेस ये भी सही है। पराजिज्म का काम नहीं है, गॉल्जी अपैरेटस का काम है पैकेजिंग का काम करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अभी भी देख लो, मिसमैच, नॉट मैच, नॉट करेक्ट, कितने क्वेश्चन है। कुछ भी थोड़ा भी मिस किया हो क्वेश्चन को तो आंसर हमारा जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज साइटोक्रोम सी इनटू द साइटोसोल एंड ट्रिगर्स प्रोग्राम सेल डॉट थ्रू एपोप्टोसिस, दिस इज राइट। इन बायोलॉजिकल मेमोरी इंटीग्रल प्रोटीन एंड लिपिड इंटरेक्ट मेनली बाय हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, ये भी राइट है। ऑल मेम्ब्रेन प्रोसेसेस सच एज पंपिंग एंड चैनलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर कैरीड आउट बाय प्रोटीन, ये भी राइट है। चैनल प्रोटीन कैन फैसिलिटेट बोथ एक्टिव, बोथ एक्टिव एंड पैसिव नहीं होते हैं, दोनों नहीं हो सकते हैं चैनल प्रोटीन के थ्रू। सो दिस इज इनकरेक्ट, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप से कौन सा करेक्ट है। फैसिलिटेट न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम जाइलम टू फ्लोइंग, रेगुलेट आयन मूवमेंट इनटू रेगुलेट आयन मूवमेंट। आयन मूवमेंट का काम जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप का होता है, न्यूट्रॉन ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट नहीं करता है। सो बीच ऑप्शन है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड बनाना वेराइटीज आर स्ट्राइल, बनाना वेराइटीज क्यों स्ट्राइल होते हैं। सो मोस्ट कॉमन रीजन जो बनाना का स्ट्राइल होने का है, दे आर ट्रिप्लाइड एंड देयरफॉर सीड्स आर नॉट सेट, ये जो है इसका रीजन होता है। अकॉर्डिंग टू द एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर, एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर है, प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, हमने बताना है कि क्या चीज होती है। ए जीन्स फॉर्म सेपल्स, बोथ एन बी जीन्स फॉर्म पेटल, बी एंड सी जीन इंटरेक्ट फॉर्म स्टैमन एंड सी जीन, ये फर्स्ट ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ए जीन हमारे पास सेपल्स बनाता है, ए और बी मिलकर के पेटल बनाते हैं, बी और सी मिलकर के हमारे पास जो है वो स्टैमन या एंड्रोशियम बनाते हैं, और हमारे पास जो सी वाला जीन होता है वो अकेला जो है वो कार्पल की फॉर्मेशन करता है। सो इसमें ए पटाला वन, ए पटाला टू, पिस्टिलेटा एंड ए गैमस जीन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। इन सम प्लांट्स द डाइकोगैमी इज प्रेवलेंट टू, डाइकोगैमी का क्या मतलब हुआ, डाइकोगैमी मतलब कि दोनों जो है मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल जो है वो हमारे मैच्योर होंगे डिफरेंट टाइम के ऊपर, डिफरेंट टाइम के ऊपर जो है वो हमारे ये दोनों जो है वो मैच्योर होंगे। सो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर क्यों होंगे, किस चीज को अवॉइड करने के लिए होंगे। स्टार्ट इज टू अवॉइड ऑटोगैमी, ताकि उनके अंदर सेल्फ जो पॉलिनेशन है वो ना हो पाए। सो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 49 का ए। नेक्स्ट इज, मैच्योर सीव एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज पुजस। तो मैच्योर सीव एलिमेंट जो इन्वॉल्व होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में, सो सबसे कॉमन चीज जो मैच्योर सीव एलिमेंट में इन्वॉल्व होते हैं वो पी प्रोटीन होती है। पी प्रोटीन अगर है तो वो आंसर होगा। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, पी प्रोटीन एंड प्लास्टिड, ये जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं इसमें। दूसरी चीज आप यहाँ से देख सकते हो, सीव एलिमेंट के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। सो ये जो न्यूक्लियस वाले ऑप्शन है ये आपके वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएंगे, और दूसरा पी प्रोटीन भी होनी चाहिए। सो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी एल बी जीन्स, क्लेवेटा जीन्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस्ड होते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम में, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोजन थ्योरी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम डेवलपमेंट, प्लीरोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। एस्ट्रोजन थ्योरी जब आती है तो वहां पे तीन लेयर होती है, डर्मेटोजन, पेरिप्लम एंड प्लीरोम। डर्मेटोजन जो होता है वो एपिडर्मिस को फॉर्म करता है, एपिडर्मिस को। पेरिप्लम जो होता है हमारा कॉर्टेक्स वाले रीजन को फॉर्म करता है, कॉर्टिकल रीजन को। प्लीरोम जो होता है हमारा वेस्कुलर सिलेंडर्स को फॉर्म करता है, वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है। सो हमारा एनाटॉमी का क्वेश्चन है, सो इसका आंसर जो हमारे पास सी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर फ्लोरिजन, फ्लोरिजन क्या होता है, फ्लावर की ग्रोथ को प्रमोट करता है। सो दिस आर प्रोड्यूसिंग द लीव्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग, एक ही ऑप्शन में फ्लावरिंग दिया हुआ है। सो 53 का बी हो जाएगा। पिगमेंट मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस आर लोकेटेड इन द, फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कहाँ पे होते हैं,
पिगमेंट होते हैं PS1 और PS2, दोनों ही जो है थायलोकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा सी, थायलोकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड देयर फंक्शन मिसमैच्ड। अगेन मिसमैच्ड, जो मैच नहीं कर रहा है वो आंसर होगा। ऑक्सिन मिसमैच्ड पूछा गया है ना, ऑक्सिन प्रमोट सेल इलोंगेशन, राइट है, ऑक्सिन सेल इलोंगेशन प्रमोट करता है, गिबरेलिन प्रमोट बड एंड सीड डोरमेंसी। नहीं, गिबरेलिन जो होता है ओवरकम करता है किसको, सीड डोरमेंसी को ओवरकम करता है, प्रमोट नहीं करता है। सो यही मिसमैच्ड है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉलोइंग स्टेटमेंट को रीड करना है, फोटोट्रोपिन फाइटोक्रोम में, साइटोक्रोम से रिलेटेड क्वेश्चन है। जितने भी हमारे फाइटोक्रोम इन्वॉल्व होते हैं, जितने भी हमारे फोटोमॉर्फोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो इन्वॉल्व है फोटोट्रोपिन, मेडिएट फोटोट्रोपिज्म रिस्पॉन्स इन हायर प्लांट। सो ये जो होते हैं वो मेडिएट करते हैं फोटोट्रोपिक रिस्पॉन्स को, दिस इज राइट, करेक्ट पूछा गया है, ये राइट है। फाइटोक्रोम ब्लू यूवी फोटो रिसेप्टर इन प्लांट, ब्लू यूवी नहीं, रेड लाइट को जो है वो फाइटोक्रोम मेनली अब्सॉर्ब करता है, साइटोक्रोम रेड एंड फार रेड लाइट, ये उल्टा लिखा गया है, फाइटोक्रोम का रेड एंड साइटोक्रोम का ब्लू। सो यहाँ पे क्राइटोक्रोम इसका जो है उल्टा हो गया है, तो ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सिर्फ वन ही जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर पोलर जर्मिनेशन, बोरोन मेनली इन्वॉल्व होता है। सो 57 कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। अगर यहाँ पे कोबलट दिया हुआ है, कैल्शियम भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन कैल्शियम यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बोरोन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट इज, विच वन इज नॉट ट्रू फॉर स्पीसीज प्रोसेसिंग सी फॉर पाथवे। इनमें से कौन सी चीज जो है वो ट्रू नहीं है फॉर स्पीसीज प्रोसेसिंग सी फॉर पाथवे, दे आर एबल टू मिनिमाइज द फोटो रेस्पिरेशन बाई यूजिंग मोर एफिशिएंट। सो फोटो रेस्पिरेशन को दे आर एबल टू मिनिमाइज फोटो रेस्पिरेशन, दिस इज राइट अबाउट सी फॉर। इनकरेक्ट पूछा गया, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोनाइजेशन अकर इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल सीड सेल। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोनाइजेशन जो होती है हमारी वो बंडल सीड सेल्स में होते हैं, दिस इज राइट। दे हैव विच ऑफ द वन इज नॉट ट्रू पूछा गया है, दिस इज ऑल्सो राइट। दे हैव हाई कंपनसेशन पॉइंट फॉर CO2। सो हमारे पास बोला गया है कि हाई कंपनसेशन पॉइंट होगा CO2 के लिए, दिस इज राइट। दे हैव लोअर फोटोसिंथेसिस यील्ड इन कंपैरिजन टू C3H। ये जो सी और डी ऑप्शन है दोनों ही करेक्ट है C4 पाथवे के लिए। सो ये दोनों ही जो है कॉन्ट्राडिक्टिव स्टेटमेंट है, लेकिन जब आंसर आया था तो उस टाइम जो है वो आंसर हमारे पास डी ऑप्शन दिया था, लेकिन ये भी हाई कंपनसेशन पॉइंट फॉर CO2 नहीं होता है C4 के पास, उसी C3 के पास होता है। सो ये भी जो है वो नॉट ट्रू होना चाहिए, बट मोस्ट एक्यूरेट जो स्टेटमेंट है वो डी है। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड एक्ट एज अ प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन के लिए ट्रिप्टोफैन ऑक्सिन बनता है, सी सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। सुक्रोज की सिंथेसिस जो होती है, हमारे पास दो चीजें होती है, स्टार्च की सिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर और सुक्रोज की होती है साइटोसोल के अंदर। देन हमारे पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बाय यूजिंग पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग को यूज करके आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के लिए जो यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं मल्टी टी ऑफ यूज किया जाता है फॉर द प्रोटीन के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ की रोल इन फोटोमॉर्फोजेनेसिस में। फाइटोक्रोम जो होता है मेनली की रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग डीएनए बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड वन बाय वन टू द ग्रोइंग डीएनए चेन इनकॉर्पोरेटिंग ओनली दैट डोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट। सो वन बाय वन न्यूक्लियोटाइड को एड करना डीएनए पॉलीमरेज का काम है, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए की सिंथेसिस करता है, तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, क्रिस्पर Cas9 इज अ जेनेटिक मॉलिक्यूलर टूल व्हिच इज यूज्ड फॉर। दिस टूल इज यूज्ड फॉर द जीन एडिटिंग के लिए, मेनली ये टूल यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, अगेन नॉट करेक्टली मैच्ड, एंटीकोडन साइट ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड दैट बाइंड टू द टीएमआरएनए मॉलिक्यूल। दिस इज राइट। राइबोसोम कैटालिटिकली एक्टिव आरएनए मॉलिक्यूल, ये भी राइट है। प्लाज्मिड स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल फाउंड इन बैक्टीरिया, भी राइट है। हिंट फ्री कैटालाइज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ये जो है वो करेक्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट के। मल्टीपल कॉपीज ऑब्वियसली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बनाएगा, पीसीआर ही मल्टीपल कॉपीज बना सकता है, तो PCR इसका आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी गई है, गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए व्हेन मेटाबोलाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी, दिस इज राइट। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है, कल्चर ऑफ मेरिस्टेम इज एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम द मेरिस्टेम, क्योंकि हेल्दी प्लांट को करता है। मेरिस्टेम जो होता है वायरस फ्री प्लांट, मतलब कि कोई इन्फेक्टेड प्लांट को ग्रो नहीं करता है।
तो डिजीज फ्री प्लांट प्रोड्यूस करता है एसोलेटेड प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट। ईच हैविंग अ डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी फ्यूज्ड टू गेट द हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म व्हिच कैन बी ग्रोन। दिस इज आल्सो राइट। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो राइट है, 1, 2 एंड 3 जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे बंद हम तो फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेथड इज आइडियल टू वैलिडेट एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ मेंडल वर्क टू चेक वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड एन अब्सॉर्ब्ड वैल्यू। सो मेंडल वर्क को चेक करने के लिए एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व वैल्यू को यूज करने के लिए एक ही चीज यूज करते हैं, काई स्क्वेयर टेस्ट को यूज करते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा काई स्क्वेयर टेस्ट। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियोसोम कंटेन्स, न्यूक्लियोसोम क्या कंटेन करता है, दैट इज डीएनए कॉइल्ड अराउंड द कोर ऑफ स्टोन। सो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिछवाना द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, अगेन नॉन करेक्ट। तो नॉन करेक्ट हमसे पूछा गया है। सो यहाँ पे देखो, अ प्रोटीन इज कंपोज ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन ईच ऑफ विच इज अ कोवेलेंटली ज्वाइंट अमीनो एसिड। सो यहाँ पे हमें बोला गया है कि इसमें जो है वो प्रोटीन कंपोज ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन कोवेलेंटली ज्वाइंट अमीनो एसिड राइट थिंग है, नॉट करेक्ट पूछा गया। हिस्टोन प्रोटीन है लार्जली सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिक। सो दिस इज ऑल्सो राइट, नॉट करेक्ट पूछा गया है। सो प्रोफाइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस बाय डीएनए टू पॉलीमरेज, ये करेक्ट नहीं है। अनवाइंडिंग द डीएनए डबल हेलिक्स टू सेपरेट द पेरेंटल स्ट्रैंड रिक्वायर गायरस प्रोटीन, गायरस सेपरेशन के लिए नहीं होता है। सो सी और डी दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट ईयर पेज बन तो फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, नॉट करेक्ट पूछा गया अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेगमेंट ऑफ आरएनए। यहीं पे जो है उल्टा पूछ लिया गया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की स्टेटमेंट है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए कन्वर्ट होता है आरएनए में, यानी कि आरएनए की सिंथेसिस होती है, लेकिन यहाँ पे बोला गया सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ये तो उल्टा हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की स्टेटमेंट है। सो यही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगी। अगर आप स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ोगे, जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये पेपर जो बहुत लेंथी था और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इसमें थे, लेकिन आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लोगे ना तो मोस्ट वेली आपको आंसर उसी में जो है वो मिल जाएगा। सो इस तरह से हम इसका आंसर करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है, डाई को कंपोनेंट टू विच इट स्टेन, किसको स्टेन करता है वो, ये हमने जो है वो मैच करना है। सो सबसे पहले हमारे पास आता है टोलिडेन ब्लू। टोलिडेन ब्लू जो होता है वो आरएनए को करता है। इनमें से जो भी आपको आ रहा होगा, अगर आप उसको मैच कर लोगे, कोमेसी ब्रिलियंट ब्लू, कोमेसी ब्रिलियंट ब्लू प्रोटीन के लिए यूज होता है, और लैक्टोफिनोल जो होता है वो यूज होता है फंगलाइजी के लिए। दो आ रहे हैं, बाकी अगर आपको नहीं भी आ रहे होंगे तो आपको मैच कर लोगे, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड फैट को, लैक्टोफिनोल फंगल को, कोमेसी ब्रिलियंट ब्लू जो है वो प्रोटीन को स्टेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मेथड दिया गया है, इन्फेक्शन कौन सी डिटरमाइन करता है। सो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है टेक्निक से लिया गया है। सो यहाँ पे देखो, ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम जो होता है वो प्रोटीन प्रोटीन की इंटरेक्शन को देखता है। इनमें से दो चीजें में आपको आ रही होगी, आप इजिली जो है वो आंसर कर सकते हो। इलेक्ट्रोफिलिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे प्रोटीन और डीएनए के इंटरेक्शन को देखता है। एफ टी आई जो फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो फंक्शनल ग्रुप की डिटर्मिनेशन करती है, और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिस्पॉन्स जो है प्रोटीन स्ट्रक्चर को करता है। इलेक्ट्रोफिलेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे हमें पता है प्रोटीन डीएनए की इंटरेक्शन है। इस टू हाइब्रिड प्रोटीन प्रोटीन की न्यूक्लियर मैग्नेटिक प्रोटीन की स्ट्रक्चर को फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं भी आ रहा होगा, फंक्शनल ग्रुप की डिटर्मिनेशन करता है। हम इसको निकाल सकते हैं दो के आंसर अगर हम दे पाए तो। 74 क्वेश्चन है, ये हमारे इकोनॉमिक बॉटनी से। लिंट एंड फर्जेयर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिंट और फर्ज जो है वो कॉटन में मिलते हैं, कॉटन का नाम है गॉसिपियम स्पीसीज, चीड्स ऑफ गॉसिपियम से लिंट एंड फर्ज मिलते हैं। नेक्स्ट, व्हिच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। सो इनमें से थियोब्रोमा कोकोआ सीड से चॉकलेट मिलता है, क्रोकस टाइबोस्टिग्मा एंड स्टाइल से सैफ्रन होता है, एक्लेरिया ग्लोका सीड एंड एरिल मेस, ये जो है वो करेक्ट नहीं है। पेरुला एसोप्टिटा, ओलियोगम रेजिन एसोप्टिटा, ये भी राइट है। आप बाकी चीजें देख लो, आपको इजिली पता लग जाएगा बाकी चीजें सही है, तो यही इनकरेक्ट जो है हमारा आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, अगेन नॉट करेक्ट पूछा गया है हमसे। सो पॉलीफेजिक अप्रोच इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल फीचर, सो ये राइट है। फोनेटिक क्लासिफिकेशन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस, दिस इज ऑल्सो राइट। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म फिनेटिक सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, दिस इज ऑल्सो राइट। होलोटाइप इज द टर्म गिवन टू डुप्लीकेट स्पेसिमन ऑफ ओरिजिनल टाइप, सो होलोटाइप डुप्लीकेट स्पेसिमन नहीं होता है ओरिजिनल टाइप का, बल्कि होलोटाइप जो होता है वो डेजिग्नेट किया गया होता है एज अ, जब हम लोग नॉर्मल जब भी हम किसी भी प्लांट को प्रेस करते हैं, हर्बेरियम बनाते हैं, तो हर्बेरियम जो डेजिग्नेट किया जाता है ऑथर के द्वारा, उसको हम जो है होलोटाइप कहते हैं। दैट इज नॉट अ डुप्लीकेट स्पेसिमन, सो ये जो है वो
नॉट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, रे फ्लोरेट ऑफ एस्ट्रेसी, रे फ्लोरेट ऑफ एस्ट्रेसी कंसिस्ट ऑफ, डेट इज कंसिस्ट ऑफ, मेनली जो चीज होती है रे फ्लोरेट्स जो होते हैं, रे फ्लोरेट्स का पूछा है, डिस्क का नहीं। सबसे कॉमन डिफरेंस होता है एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक जहाँ पे है उसको इंटरेक्ट कर दो, जाइगोमॉर्फिक को देखो, जाइगोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास जो होते हैं वो इंफीरियर ओबरी होती है। इंफीरियर ओबरी मतलब एपिगाइनस वाला, इसमें हाइपोगेनेसिस, इसमें हाइपोगेनेसिस, एपिगाइनेसिस में, यही से आपका आंसर आ जाएगा, 77 का हमारे पास आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन फ्लो डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ एलील बिटवीन, जीन फ्लो जो होता है मूवमेंट ऑफ एलील होती है बिटवीन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बीच में ये शो करता है। नेक्स्ट है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ऑफ इंडिया, हर्बेरियम ऑफ इंडिया, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो है वो हावड़ा में है, हावड़ा कोलकाता में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज फाइलोजेनिक ट्री आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, फाइलोजेनिक ट्री में के लिए इनमें से कौन सी चीजें चाहिए होती हैं, एक्सेप्ट जिस जो चीज नहीं चाहिए होती है वो आपने जो है मार्क करनी। सो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन की हमें कोई जरूरत नहीं होती है फाइलोजेनिक ट्री बनाने के लिए, बाकी चीजें जो है वो हमें जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज मोनोफाइलेटिक ग्रुप, मोनोफाइलेटिक ग्रुप क्या होते हैं हमारे पास, सो मोनोफाइलेटिक ग्रुप जो है इसका आंसर हमारे पास सी होगा, कंटेन ऑल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लेड एंड मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, क्योंकि मतलब सिंगल फाइलेटिंग मतलब कि सिंगल के अंदर ही सारे क्लेड होंगे और मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर भी वहां पे प्रेजेंट होगा। सो 81 का हमारे पास हो जाएगा सी आंसर। देन हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग विद हैबिटेट आर दैट आर अदरवाइज आइडेंटिकल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी। सो हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी जो होती है वो उस फॉरेस्ट में होती है जहाँ पे मॉडरेट डिस्टर्बेंसेस प्रेजेंट होती है। सो इसके लिए एक ग्राफ रहता है इस तरह से, हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी वहां पे होती है जहाँ पे मॉडरेट डिस्टर्बेंसेज होती है, यहाँ पे कम डिस्टर्बेंसेज होगी, यहाँ पे हाईएस्ट डिस्टर्बेंसेज होगी, तो मॉडरेट डिस्टर्बेंसेज की प्रेजेंट हो वहां पे जो होती है स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो हाईएस्ट होती है। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोडाइवर्सिटी एनालिसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज इन इट्स रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू द होल कम्युनिटी, द इम्पोर्टेंस वैल्यू एडिंग इंडेक्स कैन बी कैलकुलेटेड। इकोलॉजी का क्वेश्चन है कम्युनिटी वाले चैप्टर से, जब हम ग्रेजुएशन पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में इकोलॉजी पढ़ते हैं, कम्युनिटी वाला चैप्टर आता है, उसमें ये क्लियरली दिया हुआ है इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाई रिलेटिव डेंसिटी प्लस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस रिलेटिव वेसल एरिया, सबको प्लस कर दो, हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा इम्पोर्टेंस वैल्यू इंडेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्पीसीज हेल्प टू मेंटेन लोकल बायोडायवर्सिटी विद इन अ कम्युनिटी आइदर बाय कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीसीज और बाय प्रोवाइडिंग क्रिटिकल रिसोर्स फॉर एन वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज दैट हेल्प टू मेंटेन लोकल बायोडायवर्सिटी आइदर बाय कंट्रोलिंग पॉपुलेशन और अदर स्पीसीज और प्रोवाइडिंग क्रिटिकल रिसोर्स। सो ये काम जो है कीस्टोन स्पीसीज का रहता है, इनमें से किसी भी स्पीसीज का और एक काम नहीं है कंट्रोल करना, दैट इज अ कीस्टोन स्पीसीज। थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैव कंट्रीब्यूटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ वेस्टर्न घाट श्रीलंका एंड इंडो बर्मा रीजन एज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे हमें जो है हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के रीजन बनाने हैं, फिर हमने इन थ्री ऑफ द करेक्ट क्राइटेरिया को चूज करना है। सो बताओ कि कौन कौन से हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के करेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं। सो यहाँ पे हमें बताना है कौन से करेक्टरिस्टिक फीचर हैं, हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है, देन उसके बाद हाई वेजिटेशन डेंसिटी नहीं स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है, हाई रेट ऑफ एंडेमिज्म हमारे पास होता है, इथनोबोटैनिकल इंपॉर्टेंस नहीं, थ्रेट परसेप्शन भी, अडेप्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना टू वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, थ्रेट परसेप्शन भी होती है, ये वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ जो स्टेटमेंट है यानी कि बी ऑप्शन जो है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। फॉर हॉटस्पॉट बनाने के लिए तो हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी होनी चाहिए, एंडेमिज्म हाई होना चाहिए और थ्रेट परसेप्शन भी हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेटेस्ट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द लास्ट टू सेंचुरी हैज रिजल्टेड फ्रॉम द ग्रेटेस्ट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मेन रीजन फिजिकल अल्टरेशन ऑफ हैबिटेट ही है, हैबिटेट का लॉस है, दैट इज द मेन रीजन ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी गई है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमें बतानी है इनमें से जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सो यहाँ पे देखो, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी इन प्लांट इन पैची एनवायरमेंट एनेबल्स द प्लांट्स टू अडॉप्ट टू हेटेरोजेनस एनवायरमेंट, द स्पीसीज पॉपुलेशन शोइंग डिफरेंस इन मॉर्फोलॉजी ड्यू टू वेरिड नेचुरल एनवायरमेंट आर कॉल्ड इकोटाइप, शोइंग डिफरेंस इन मॉर्फोलॉजी। सो मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस शो करें दैट दीज आर इकोटाइप, द प्लांट ग्रोइंग इन लो और हाई लाइट कंडीशंस ऑफ फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी इज बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड लीफ एनाटॉमी।
इसमें जो है तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रेटर इन द इकोटोन जोन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। वो कम्युनिटी के बीच का जो जोन होता है उसको हम जो है इकोटोन जोन कहते हैं, इसको हम इकोटोन जोन कहते हैं और ट्रांजिशन जोन हम इसको कहते हैं। और यहाँ पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, ज्यादा डेंसिटी मिलती है, दैट इज ड्यू टू द एज इफेक्ट, उसको हम कहते हैं एज इफेक्ट, क्योंकि कम्युनिटी के एज के ऊपर जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट हमने चूज करनी है। तो यहाँ पे देखो, प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ एंथम एंड डुक्कर क्लासिफिकेशन इज दैट द डिस्क्रिप्शन आर बेस्ड ऑन द एक्चुअल एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिमेन, दैट इज राइट। एपीजी इज मोस्टली फ्लावर मॉर्फोलॉजी बेस्ड सिस्टम, नहीं, फ्लावर मॉर्फोलॉजी ही बेस्ड सिस्टम नहीं है, सो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो देख लो यहाँ पे इनकरेक्ट इनकरेक्ट इन दोनों में से एक होगा। क्लैडिस्टिक क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर एंसेस्ट्री, दिस इज राइट। क्लैडिस्टिक जो है एक्सप्लेन करता है ऑन एंसेस्ट्री, सो सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट पता नहीं है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एम्स एट डिटरमिनिंग फिनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म और टैक्सा, दिस इज राइट। एफओमोर्फी रेफर्स टू एनी कैरेक्टर होमोलोगस विदइन द क्लेड बट नॉट यूनिक टू ऑल मेंबर्स। एफओमोर्फी रेफर्स टू एनी कैरेक्टर होमोलोगस विदइन द क्लेड बट नॉट यूनिक टू ऑल मेंबर्स, दिस इज इनकरेक्ट। यूनिक कैरेक्टर को एफओमोर्फी जो है वो शो करती है, सो सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। देन फाइनली जेनेटिक क्लासिफिकेशन इज अ मेजर हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न प्लांट इंट्रैक्शन पोलन बायोलॉजी डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, सो थर्ड एंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन और प्रोटोकॉल हैज बोथ द यूजर्स एंड द ओनर ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज बाय क्रिएटिंग बेटर लीगल सर्टेनिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन एंश्योरिंग बेनिफिट शेयरिंग एंड दस लीड टू बेटर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए कौन सा जो कन्वेंशन किया गया था। सो इसका आंसर हमारे पास होगा नागरिक प्रोटोकॉल जो है जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए मेनली किया गया। रामसर कन्वेंशन जो है बैटलैंड कन्वेंशन, बैटलैंड को प्रिजर्व करने के लिए थी। उसके अलावा हमारे पास क्योटो प्रोटोकॉल जो था हमारे पास ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को स्टॉप करने के लिए था, उनकी गैसेस को कम करने के लिए। वीना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कहते हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए था। सुनागियो प्रोटोकॉल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट अल्वास्कुलर माइकोराइजा, करेक्ट कौन सा अल्वास्कुलर माइकोराइजा के लिए। सो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है इसका आंसर हमें देना है, दे आर ऑब्लिगेट सिम्बॉइड बिलोंगिंग टू फाइलोग्लोमेरुला ग्लोमेरोमाइकोटा, ये राइट है, ग्लोमेरोमाइकोटा को ही बिलोंग करते हैं। डिमोबिलाइज द सॉइल न्यूट्रिएंट स्पेशली फॉस्फोरस, राइट, फॉस्फोरस को ही मेनली मोबिलाइज करते हैं। दे एक्सक्लूसिवली क्लोनाइज द रूट कॉर्टेक्स एंड फॉर्म हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल और वस्कल विच आर कंसीडर्ड द फंक्शनल साइट, ये भी राइट है। दे प्रोवाइड इंप्रूव ड्रॉट एंड सॉलिनिटी टॉलरेंस, टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं, ये भी करेक्ट है। सारे ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग टू माइक्रोइज़ा। नेक्स्ट इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज बाय न्यूट्रिएंट लीड टू एक्सेस प्लांट ग्रोथ ऑन द सरफेस दैट लीड्स टू द डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी कॉजिंग द डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल, दिस इज राइट थिंग। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज एन इकोसिस्टम सर्विस, ये भी राइट है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड थ्रू द डिट्रिटस फूड चेन, ये भी राइट है। नेक्स्ट इज, मिथेन इज प्रोड्यूस बाई एक नहीं एनारोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से मिथेन प्रोड्यूस करती है, सो फोर्थ थिंग करेक्ट है, बाकी तीनों जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। सो ये हमारे पास जो है 70 क्वेश्चंस थे जो कॉलेज कैडर 2023 बॉटनी कॉलेज कैडर में पूछे गए थे हिमाचल प्रदेश HPPSC द्वारा जो कंडक्ट किया गया था। सो होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी जो भी डिफरेंट स्टेट में अपियर हो रहे हैं कॉलेज कैडर के लिए, और दूसरा जो अभी PGT का पेपर देने वाले हैं PGT बायोलॉजी का HPPSC के अंडर, सो वो ये वीडियो देख सकते हैं। और बाकी जो भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।